वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज द एनालिसिस वीडियो फॉर 18th अगस्त। सो गाइस, निफ्टी में मेरा अभी तक सेम ही व्यू पॉइंट है कि 18,130 या 150 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, राइट? वो काफी स्ट्रांगली फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, ओके? बिकॉज सी, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है, वन साइडेड मूव, इसको पुल बैक देना कंपल्सरी है। अब यही एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रांग सेलिंग जोन है जहां से निफ्टी पुल बैक दे सकते हैं, राइट? सो ये जोन में आ भी प्राइस फर्स्ट टाइम रही है, तो यहां से डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है। चांसेस तो 16,800 तक है फॉल होने के, बट एटलीस्ट 17,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कि वहां तक तो फॉल होगा, ओके? सो विल सी नाउ गाइज, निफ्टी में लॉन्ग के ट्रेड्स अभी भी रिस्की है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग के ट्रेड्स मिस हो रहे हैं, चलेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लॉन्ग के ट्रेड में बैठे, आपने लेट से लॉन्ग का ट्रेड लिया लेकिन आप वन साइडेड ट्रैप हो गए, ओके? सो नाउ ये जो 75 मिनट्स का भी ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो स्विंग में शॉर्ट ट्रेड पे बैठ सकते हैं। एंड इंट्राडे में लेट से 17,920 या 900 के नीचे सस्टेन किया तो फिर आप फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट टिल 17,850 तक, राइट? सो 900 क्रॉस किया तो 17,840 तक फॉल हो सकता है, ओके? एंड अगर 1740 तक आ गई प्राइस, उसके बाद 17,770 के नीचे सस्टेन करेगी तो फिर फॉल। सो इंट्राडे में स्मॉल लेवल्स हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल है, बैंक निफ्टी में भी सेम गाइस, ओके? लॉन्ग के ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं लेने, बिल्कुल भी नहीं मींस बिल्कुल भी नहीं। आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे में भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, राइट? बट लॉन्ग का फिलहाल नहीं गाइस, अगर ये वीकली इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं, राइट? सो बैंक निफ्टी में भी 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा तो स्विंग का शॉर्ट ट्रेड बनेगा, राइट? जिसका टारगेट होगा ऑल द वे बेयर मिनिमम टिल 38,200 या 37,500, राइट? सो ये दो टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी के भी फॉल होने के बाद। और स्टॉक्स अगर देखेंगे, इंडसइंड बैंक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जोन से रिएक्ट करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया तो फिर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट? बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग के ट्रेड्स मिलेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विथ 7 रूल्स होते हैं तो। 7 रूल्स ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, वहां पे कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के 7 रूल्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज एलटी। एलटी में स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन से रिएक्ट करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया तो डायरेक्टली ये फॉल होना स्टार्ट होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 1843, फर्स्ट टारगेट होगा 1843, उसके बाद और भी अगर फॉल हुआ तो 1832 तक फॉल हो सकते हैं, राइट? एलटी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ट्रेड। नाउ भारत फोर्ज स्ट्रांगली, भारत फोर्ज आपको गाइस दिखेगा कि बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है, और लेट से बेयर मिनिमम 734 तक फॉल होगा, ये आज या कल में आपको दिखेगा टारगेट गाइस 734 तक, राइट? आज अगर हम लोग बात करें इंट्राडे ट्रेड की तो 740 तक आज ही फॉल होने की प्रोबेबिलिटीज है। आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है अगर लेट से, तो कल का ये जो लास्ट स्विंग है या कल का जो लास्ट कैंडल है, लास्ट जो कैंडल है 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का, बस उसका ही लो ब्रेक हुआ तो इमिडिएटली आप शॉर्ट के ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 740, सेकेंड टारगेट होगा 730। भारत फोर्ज लास्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट होगा 740, सेकेंड टारगेट होगा 730। बजाज फाइनेंस अगेन शॉर्ट ट्रेड्स टिल हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ब्रेक हुआ तो फिर ऑल द वे 7200 तक। इट मीन्स बजाज फाइनेंस ऑल्सो कैन फॉल टिल 7400, और अगर 7384 के नीचे सस्टेन किया तो ऑल द वे टिल 7200 आ सकते हैं, राइट? बजाज फाइनेंस में
आप या सिमिलरली बजाज फाइनेंस में भी आई वुड रिकमेंड कि 7433 को क्रॉस होने दो, राइट, 7432 के नीचे क्रॉस होने दो, उसके बाद 7386 तक टारगेट रख सकते हैं, और फिर सेकेंड टारगेट जैसे मैंने बताया 7200, राइट। सो दिस इज दीज आर द ट्रेड्स पॉसिबल इन बजाज फाइनेंस। नाउ गाइस, टॉरेंट फार्मा काइंड ऑफ अ जैकपॉट ट्रेड है, राइट। अगर इसमें ट्रेड मिल गया तो वन साइडेड आपको ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये ट्रेड आप ले सकते हैं सेल का फ्रॉम 587.5 या 588 से सेल करो, 592.5 के ऊपर स्टॉप लॉस। टारगेट आपको गाइस 2:1 लेना है, 2:1 या 3:1 भी ले सकते हैं, बहुत ही बड़ा टारगेट मिलेगा टॉरेंट फार्मा। वन साइडेड फॉल हो सकता है 540 तक, जैकपॉट काइंड ऑफ अ ट्रेड है, 540 तक टॉरेंट फार्मा फॉल हो सकता है। सो दीज आर द एनालिसिस फॉर टुडे गाइस, विल मीट अगेन टुमारो विद द एनालिसिस।